हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फाइनली मॉन्स्टर वर्स से आने वाली एक और फिल्म के बारे में, जो कि ऑफिशियली गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फिल्म का सीक्वल है। जी हां, अब फाइनली गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फिल्म के सीक्वल की अनाउंसमेंट कर दी गई है, वो भी एक पॉसिबल टाइटल के साथ, जो यही कंफर्म करता है कुछ हद तक कि इस बार के मॉन्स्टर वर्स में हम किस काइजो पर सबसे ज्यादा फोकस करते हुए देखेंगे। चलिए अब उन पूरी की पूरी डिटेल्स की बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये न्यूज कितनी बड़ी वेबसाइट्स की तरफ से निकलकर आई है। तो इसका पूरा का पूरा क्रेडिट हॉलीवुड रिपोर्टर वेबसाइट वालों को जाता है, जिन्होंने मॉन्स्टरवर्स के फैंस के लिए इस खबर को ब्रेक किया है कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फिल्म की काफी दमदार कमाई के बाद, जो कि पूरे 406.7 मिलियन की है, जिससे ये बात भी डिक्लेयर होती है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी एक दमदार हिट रही है, साथ ही साथ एचबीओ मैक्स पर भी, जिस पर गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फिल्म की व्यूअरशिप पूरे 3.6 मिलियन की थी, जो एचबीओ मैक्स पर सबसे देखे जाने वाली लिस्ट में पहले पोजीशन पर थी। लेकिन फिलहाल तो अब उस पोजीशन को मोर्टल कॉम्बैट ने पूरी तरीके से 3.8 मिलियन की व्यूअरशिप से कैप्चर कर लिया है, यानी कि मोर्टल कॉम्बैट की भी सीक्वल की पूरी पॉसिबिलिटी इसकी व्यूअरशिप के साथ साथ के बॉक्स ऑफिस नंबर को देखकर आई है। लेकिन फिलहाल तो उस फिल्म के सीक्वल की अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन हॉलीवुड रिपोर्टर वालों की तरफ से गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फिल्म के सीक्वल की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिस पर इस बार स्टूडियो का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ कॉन्ग के कैरेक्टर पर रहेगा। जी हां, मॉन्स्टरवर्स में इस बार हम गॉडजिला से ज्यादा कॉन्ग के यूनिवर्स एक्सपेंड होते हुए देखेंगे, जो डेफिनेटली कॉन्ग फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज है, क्योंकि देखा जाए तो मॉन्स्टरवर्स में अभी के टाइम पर तो सबसे ज्यादा एक्सप्लोर गॉडजिला को ही किया जा रहा था, वो भी उसकी पॉपुलैरिटी को ध्यान में रखते हुए। लेकिन जो बॉक्स ऑफिस नंबर गॉडजिला की पिछली दोनों फिल्मों को मिला था, जैसे कि साल 2014 में आई हुई गॉडजिला फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर 529 मिलियन के थे, और उनका इपिक शोडाउन जो कि गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर फिल्म थी, उसने अर्न किए थे पूरे 86.6 मिलियन की कमाई, जिसमें अगर देखा जाए तो स्टूडियो को इस फिल्म से लॉस हुआ था। लेकिन अब कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला फिल्म की कमाई से मॉन्स्टरवर्स के यूनिवर्स की उम्मीद अब भी जारी रहेगी, जिसे लेकर पहले तो फैंस यही कह रहे थे कि फिल्म में कोई भी पोस्ट क्रेडिट सीन को ना दिखाते हुए लग तो ऐसे ही रहा है कि स्टूडियो इस फिल्म के यूनिवर्स को आगे कंटिन्यू नहीं रखना चाहता। लेकिन एक्चुअल में फिल्म में पोस्ट क्रेडिट सीन था, जिसे फिल्म में जगह ना देते हुए उस सीन को फिल्म से डिलीट कर दिया गया, ताकि पहले स्टूडियो ये चेक कर ले कि एचबीओ मैक्स के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म का परफॉर्मेंस अच्छा भी रहता है या नहीं, जो कि अब उनके हिसाब से अच्छा है। और जी हां, इसके बॉक्स ऑफिस नंबर भी, जिसके अगर पूरे के पूरे क्रेडिट की बात करें तो वो पूरा का पूरा क्रेडिट अगर काइजो के यूनिवर्स में किसी और को जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ग ही है, जिसके कारण से ये फिल्म इंटरनेशनली लोगों की नजर में बहुत ज्यादा थी। और अगर पेंडेमिक नहीं होती तो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फिल्म की भी कमाई शायद से 1 बिलियन के आंकड़े को या फिर उससे ज्यादा के आंकड़े को पार कर चुकी होती। लेकिन फिर भी, जैसे कि मैंने कहा, ये नंबर अच्छे हैं, क्योंकि कॉन्ग द स्कल आइलैंड की कमाई 566.7 मिलियन की थी, जो कि गॉडजिला की दोनों फिल्मों के मुकाबले में कई ज्यादा है। ऐसे में स्टूडियो इन्हीं बॉक्स ऑफिस नंबर को काफी ज्यादा ध्यान में रखकर पहले कॉन्ग के यूनिवर्स को आगे बढ़ाने की सोच चुका है। इसमें स्टूडियो का जो सबसे ज्यादा फायदा होगा वो है प्रॉफिट, जिसे वार्नर ब्रदर्स पिछले मॉन्स्टर यूनिवर्स की फिल्मों की तरह टोहो के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करेगा, क्योंकि जापान के डिस्ट्रीब्यूटिंग राइट पूरी तरीके से अंडर टोहो वाले के आते हैं, जब भी स्टूडियो गॉडजिला के कॉन्सेप्ट को मिलाकर अगर कोई फिल्म बनाएगा तो। लेकिन कॉन्ग से ये बात भी पूरी तरीके से साफ हो जाती है कि इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटिंग के राइट पूरी तरीके से अंडर वार्नर ब्रदर्स के रहेंगे। इट मीन्स के फायदा उन्हीं का रहेगा, जिस फायदे पर अब मॉन्स्टरवर्स के पूरे यूनिवर्स को आगे बढ़ाने की प्लानिंग कर ली गई है। और अब इसके टाइटल की बात करें तो फिलहाल तो हॉलीवुड रिपोर्टर की तरफ से ये टाइटल सन ऑफ कॉन्ग का है, जिसकी उम्मीद मुझे ज्यादा फिलहाल तो अभी के टाइम पर नहीं लग रही, क्योंकि इस नाम पर पहले भी हॉलीवुड में 1933 में फिल्म बन चुकी है, जिसे स्टूडियो रीमेक करने का बिल्कुल भी नहीं सोचेगा, क्योंकि फिल्म की कहानी ही बहुत ज्यादा वियर्ड थी। बट हो सकता है कि उस स्टोरी लाइन पर हम इस फिल्म में इस बार कॉन्ग को उसी हॉलो अर्थ को काफी ज्यादा एक्सप्लोर करते हुए देखे। अब मैं यहाँ पर जो भी डिटेल आपको देने वाला हूँ वो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फिल्म से रिलेटेड, यानी कि काफी ज्यादा स्पॉइलर रहेगी, इसलिए उस बात को आपको ध्यान रखना है। तो उस फिल्म के एंड में हमें दिखाया गया था कि मोनार्क वाले कॉन्ग पर अब भी स्टडी कर रहे हैं, और वो लोग उसके साथ हॉलो अर्थ में है, जिस जगह को अभी के लिए तो पूरी तरीके से बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं किया गया है, और ना ही ये डिटेल दी गई थी उस फिल्म में कि कॉन्ग के पूर्वज अभी भी उस हॉलो अर्थ में जिंदा है या नहीं। लेकिन अब इस फिल्म की कंफर्मेशन के हिसाब से कहीं ना कहीं ये बात तो कंफर्म होती ही है कि शायद उस हॉलो अर्थ में कॉन्ग के पूर्वज अभी भी जिंदा होंगे, वरना सन ऑफ कॉन्ग जैसी फिल्म की स्टोरी लाइन आगे बढ़ेगी कैसे। और इसके अलावा हो सकता है कि स्टूडियो को ये भी बात काफी अच्छी तरीके से पता चल गई होगी अपनी इसी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फिल्म से, कि लोग स्क्रीन पर ज्यादा किसकी प्रेजेंट देखना चाहते हैं और किसकी नहीं, यानी कि यहाँ पर मैं बात ह्यूमंस के कैरेक्टर की कर रहा हूँ,
जो इस मॉन्स्टरवर्स के फिल्म के यूनिवर्स को कहीं ना कहीं स्टोरी के चलते बहुत ही ज्यादा वीक करते हैं। और इस बार के प्रोजेक्ट में उन पर फोकस कम करते हुए ज्यादा फोकस हॉलो अर्थ और कॉन्ग के कैरेक्टर और उसकी बाकी फैमिली या फिर कहूँ पूर्वजों पर किया जाएगा, तो ये चीज काफी ज्यादा बेटर रहेगी इस मॉन्स्टरवर्स को आगे एक्सप्लोर करने के लिए। क्योंकि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फिल्म में भी कॉन्ग का ही कैरेक्टर मेन लीड था, जिसे फैंस ने और बाकी दूसरी ऑडियंस ने भी बहुत ज्यादा पसंद किया। और इसके अलावा इस फिल्म के यूनिवर्स के साथ में एक और चीज है जो काफी ज्यादा सिमिलर हो रही है, वो है पुरानी फिल्म के सेम डायरेक्टर एडम विनगार्ड, जिन्हें फिर से इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करने की कोशिश स्टूडियो कर रहा है, क्योंकि उनका काम इस फिल्म के प्रोजेक्ट को लेकर काबिले तारीफ था। ऐसे में इसी फिल्म से उनका करियर भी चमका है और अभी के लिए तो वो अपने बाकी दूसरे प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा बिजी रहेंगे, जिसमें एक जो नाम सबसे ज्यादा निकल कर आया है वो प्रोजेक्ट है थंडर कैट का, जिस प्रोजेक्ट पर एडम विनगार्ड एक हिसाब से अपने बचपन से ही काम कर रहे हैं, क्योंकि वो इस यूनिवर्स के पूरे दीवाने हैं। और हाँ, मैं भी, क्योंकि मैंने बचपन में थंडर कैट्स के कार्टून को बहुत एंजॉय किया था और मैं दिल से चाहता था कि इस पर लाइव एक्शन फिल्म बने, जिस पर हॉलीवुड की तरफ से कई बार प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की गई और वैसे ही कई बार कैंसिल भी, यानी कि ये प्रोजेक्ट भी ड्वेन जॉनसन की ब्लैक एडम फिल्म की तरह कई लंबा लटका हुआ है। ऐसे ही कई सारे हॉलीवुड में प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि अकीरा, कैप्टन प्लैनेट, क्रो और मास्टर ऑफ यूनिवर्स, जिन प्रोजेक्ट्स को लेकर कभी अनाउंसमेंट तो कभी कैंसिलेशन की ऑफिशियल अपडेट आती ही रहती है। लेकिन अब एडम विनगार्ड के साथ ऐसा होता हुआ तो मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आता कि वो थंडर कैट के प्रोजेक्ट के साथ में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, जिस पर अगर आपको डिटेल चाहिए तो एक अलग वीडियो बनाकर मैं आपको उसकी भी डिटेल दे दूंगा। यानी अगर देखा जाए तो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का ये सीक्वल हमें फिलहाल तो जल्दी देखने मिलने वाला है नहीं, लेकिन अगर स्टूडियो चाहे तो ऐसा हो सा है। बाकी आपकी राय आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि इस प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट को लेकर आपकी खुशी कितनी ज्यादा है। और इसके अलावा अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक करिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आपको मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय करना है, और टिल देन बाय।